गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो? तो आज हम लोग आए देसी मसाला। यहाँ का सिस्टम है बफे सिस्टम, वेज बफे सिस्टम। ये जगह जो है जो वेज वालों के लिए बोल के बनाया जैसा है। चलो यार, बहुत इट्स वेरी हॉट, बहुत धूप है। चलो अंदर जाके बात करेंगे। यही है, देखो यही है देसी मसाला। दिस इज हाउ इट लुक्स। चलो अभी अंदर जाएंगे, अंदर जाके आपको बताऊँगा। देसी मसाला ऑफिस ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तीनों मिलता है यहाँ पे। दरवाजा खोलेंगे। थैंक यू भैया। वेरी नाइस एम्बियंस है, नाइस, बहुत ब्यूटीफुल है एकदम। वो धीमे से म्यूज़िक चल रहा है और एम्बियंस इज़ रियली गुड एंड यू कैन सी हाउ पीपल आर एन्जॉइंग द फूड। आराम से बैठ के बहुत एकदम धीमे, और बाहर बहुत धूप था गाइस, बहुत एक्सट्रीम लेवल का धूप था। अंदर इट्स एसी अगेन, इट्स कूल। वाओ, देखो गाइस कितना सही है ना ये। वाओ, मुझे स्पेशली ये यहाँ का ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा। मतलब व्हेनेवर वी कम विद आवर फ्रेंड्स फैमिली, जहाँ पे 7, 8, 10 लोग हैं, आराम से यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो। और एम्बियंस इज़ रियली गुड यहाँ का भी। जैसे कि मैं तुम लोग को बोला था ना, यहाँ के कॉन्सेप्ट है बफे सिस्टम में क्या होता है, मतलब स्पेशली अगर तुम लोग को स्टार्टर्स ये सब चाहिए तो दे विल सर्व यू टू योर टेबल। और अगर आपको मेन कोर्स और पानीपुरी डेजर्ट्स ये सब जाना चाहिए तो यू कैन गो। दैट्स रीज़न नो ये है, दैट्स द रीज़न। इट्स वेरी नाइस, मतलब वेल ऑर्गेनाइज। अदरवाइज इट विल गेट वे मेस्ड अप, सभी एक ही जगह पे और नो पीपल विल स्टार्ट क्राउडिंग अप। तो उसी लिए बहुत अच्छा लगा। मीट कृष्णा सर हु इज मैनेजर हियर एंड नाउ ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स व्हाट ऑल वी गेट इन अ बफे। सो कैन प्लीज स्टार्ट। दिस इज सोया चॉप। ओके, सोया वेज चॉप। ओके, सोया वेज चॉप्स एंड दिस इज अ बेबी कॉर्न। दैट्स नाइस, बेबी कॉर्न चाइनीज। ओके, दिस इज अ वेजिटेबल नूडल्स। ओके, अक्का वेजिटेबल नूडल्स। ओके, दिस इज पनीर लमदार made into spicy kadai vegetable mixed with shimla mirchi and all the vegetables. Okay, this chana kabuli. Yeah, dal bukara. Oh my god, look at the yahan ka naam to suno. हर एक डिश का अलग अलग सा नाम दिया है। वेज ही है राइट, लेकिन अलग अलग सा नाम है। इट्स लाइक काइंड ऑफ इन डिफरेंट। इधर वेज बिरयानी, वेजिटेबल फ्राइड राइस, sambar rice. What is this? Also there is a curd rice over here. Actually I thought that this is a salad over here. Salad. This is corn salad. Corn with mayonnaise and okay. Fresh vegetables, everything. ये जो दिख रहा है ना, ये सलाद है और ये कर्ड राइस है। लेकिन साउथ इंडियंस का सबसे स्पेशल रहता है कर्ड राइस। They won't end up their lunch without having a curd rice. Oh God, dessert का पार्ट आ गया है। Yes, gulab jamun. We make it specially over here. Every people likes it. And they like it very much. Gulab jamun. Okay, fine. तो ये सब यहाँ पे बनाते हैं क्या? Okay, that's nice. गाजर का हलवा special again. This is strawberry mousse. Okay, that is something new I think. Strawberry mousse. It's made up of sir? Strawberry ice cream. Okay. It's made up of strawberry ice cream. And cream and milk. Oh, that's nice. And this is burfi. Okay. And we have ice cream here. Okay, we have ice cream. All dessert. When it comes to dessert part, so you order it from outside or we make it here only. Oh, that's nice. We don't order anything from outside. Okay. We make everything over here. देख रहे ना भाई, जो भी इनके पास मिलता है बफेज में सब यहाँ पे बनाते हैं। इवन जो भी स्टार्टर्स है और जो भी डेजर्ट का पार्ट है, हर एक डेजर्ट यहाँ पे ही खुद इन लोग बनाते हैं। दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली नाइस। चाट सेक्शन है ये, पापड़ी चाट, दही पूरी भी है, पापड़ी है और शेवपुरी भी है। एक्चुअली अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन मैं परमिशन लिया उसी में। देखो कितना सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, और ये जितना भी खाना बनता है ना, सब क्रेडिट इन लोगों को जाता है, क्योंकि इन लोग का हाथ का ही मैजिक रहता है। वी विल गेट टू टेस्ट दिस अमेजिंग फूड। बहुत ही मतलब आज संडे है ना, आज संडे होने के कारण बहुत भीड़ है बाहर, एक्चुअली एवरीवन आर बिजी एट द होल वर्क। वो भाई साहब वहाँ भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको उनके काम पे काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं। पानी पूरी भाई साहब चलो टेस्ट करेंगे यहाँ का पानी पूरी। ज़्यादा स्पाइसी मैंने ओके मतलब नॉर्मल स्पाइसी अच्छे से खा सकता हूँ, लगता है सर। पानी पूरी हो गया। अभी नेक्स्ट पानी पूरी का भाई है, इसका नाम है दही पूरी। मतलब हम देखेंगे। चलो अभी पानी पूरी का कज़िन है, वो ओन भाई था दही पूरी, एक कज़िन भाई है, कज़िन भाई को खा के ट्राई करेंगे। तो गुड भाई, ये भाई साहब ये देखो भाई क्या लिख जूस है, आई थिंक ये वेलकम ड्रिंक टेस्ट करेंगे कैसा है जूस है। लेट्स ट्राई। अमेजिंग, इट्स गुड सीरियसली गाइस। लेकिन इसमें ना बनाना और आइसक्रीम का यू नो शेक है कुछ। अमेजिंग, इट्स रियली गुड। वैसे ही आप यू नो बाहर से आए होंगे और बहुत सारा वेटिंग भी रहेगा यहाँ पे, बहुत वेटिंग रहेगा पास में, तो उस टाइम में इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ ड्रिंक्स देन यू विल फील लाइक काम कूल आराम से। डेजर्ट खाएंगे, डेजर्ट खा के मेन कोर्स की तरफ आएंगे। चलो तो शुरू करते हैं गुलाब जामुन से। गुलाब जामुन के ऊपर ना वो शायद से बादाम का चूरा है, बहुत ही सही है। यहाँ पे है अपना गाजर का हलवा एंड here comes the savory part और ये एक्चुअली ना स्ट्रॉबेरी का कुछ है। इट्स लुकिंग वेरी अमेजिंग, बहुत ही सही लग रहा है, लेकिन अभी नहीं, बाद में लास्ट में खाएंगे। तमाम चलो इट्स टाइम टू टेस्ट गुलाब जामुन। इन लोगों के पास और एक सही एकदम मस्त वाला चीज़ आपको पता है क्या, ये गुलाब जामुन इन लोग यहाँ पे ही बनाते हैं इन हाउस, कुछ भी बाहर से आता नहीं। गुलाब जामुन क्वालिटी इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी यार। गरम है रियली, ज़्यादा हॉट नहीं, मीडियम हॉट है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई गाजर का हलवा। गाजर का हलवा उतना स्वीट नहीं है, मीडियम स्वीट, मीडियम बहुत अच्छा। गाइस देखो कौन है हम लोग के साथ, ही इज़ द ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। ब्यूटीफुल मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ के एस्थेटिक्स, यहाँ के कितने भी एम्बियंस है ना, इट्स अमेजिंग गाइस, इट्स रियली अमेजिंग, बहुत ही पीस लगता है यहाँ पे। सर कैन आई नो योर नेम? आई एम संदीप जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर देसी मसाला। Started Desi Masala in 2019 October, and since then after that 3-4 months we are doing well. Later on Corona came and all. Okay. And we've converted our restaurant into a cloud kitchen. Okay, and that's nice. We are working for a government organization like BBMP and all. Okay. During lockdown. Okay. And after lockdown, we have served around 3-4 lakh free food packets. Oh my God, that's really great. Thank you very much. देखो आप देख रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं सभी लोग। बिजनेस करना इट्स नॉट अ रियल गुड थिंग, हो गया एवरीवन डज इट, बट बिजनेस के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या दैट्स रियली ग्रेट सर। आई एम यू नो थैंकफुल फॉर दैट बिकॉज यू नो ऑलरेडी सर्व लाइक यू नो, कैन आई नो द नंबर? Around 4 lakh plus. Oh my God, 4 lakh is a very huge number. He has served like you know for more than 4 lakh people a free food package. That's really great, sir. Thank you very much. Later on, we have got into a volume, so we thought like you know we cannot work on a normal restaurant. Okay. So we have come with the idea of you know 199. Okay. And we knew that like you know 199 is a very good pricing, and normally we don't get buffet at this price. Yeah. Anywhere in Bangalore, and giving so many items. it was like, for anybody believing that, it was like quite impossible. Somebody, how anybody can give it that price? Yeah, exactly. But after, you know, we have worked out the pricing and all, we are giving 199 price now. Actually, 199 जो price है ना, it's not a good, it's amazing, the amazing price. आपको 199 में इतना चीज़ मिल रहा है यहाँ पे. और यहाँ पे कैसा है आपको, है ना सर, आपके पास वीकेंड्स पे प्राइस ज़्यादा ऐसा कुछ है क्या? वीकेंड 299, मंडे टू फ्राइडे. ओके, मंडे टू फ्राइडे इट्स 199, वीकेंड्स पे 300 हो जाएगा, दैट्स 299. तो वो भी डजन में क्या? ओके, मंडे टू फ्राइडे जो है 199 है, उसमें भी बहुत बढ़िया चीज़, बहुत सारा यू नो वैरायटी है. लेकिन स्पेशली संडेज में दे आर यू नो टेकिंग 99 एक्स्ट्रा एंड ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा यू नो डिफरेंट डिशेस. बहुत सारा यू नो डेजर्ट हो गया, उसके ऊपर यू नो स्वीट्स हो गया, अलग अलग न्यू आइटम्स हो गया. सो एक्चुअली यू नो आई वुड लाइक टू थैंक यू, बिकॉज यू नो बहुत सारे नॉन वेज वाले वेज वालों को छेड़ते हैं कि क्या मिलता है यार, वही पनीर वही आलू. एग्जैक्टली क्या होता है, वही बहुत सारे चढ़ाते हैं. स्पेशली मेरा फ्रेंड्स को ना, हम लोग भी बहुत सारे चढ़ाते हैं क्या है वेज में, वो ये आलू वो ये पनीर. लेकिन ट्रस्ट में गाइस, इनके पास इतना अच्छे इतने वैरायटी के स्टार्टर्स है ना, सोच भी नहीं सकते हो. उसके लिए यहाँ पे आओ, खाओ. इन वेरी फ्यू लाइक विद इन अ वेरी फ्यू डेज दिस वन मोर देसी मसाला कमिंग अप इन अ टाउन गाइस. इट्स इन जयनगरा, सो विच इज़ वेरी यू नो very nearby place, so that you know like all those people, those area people, they can enjoy the food there. Thank you sir. Thank you very much. चलो ये बातें तो होते रहते हैं, फटाफट खाएंगे तो भूख तो लगा है. सोया शॉप से थे अमेजिंग गाइस. वहाँ पे देख रहे ना गाइस, वहाँ पे मेन कोर्स का टेबल लगता है. तो स्टार्टर्स कितना भी है ना, आपको यहीं पे दे विल सर्व टू योर टेबल. मेन कोर्स लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा. और ट्रस्ट में गाइस अनलिमिटेड, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई खड़ा है और उन लोग तुम्हें सर्व करेंगे. तुम्हारे हाथ से कितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन प्लीज़ वेस्ट मत कर. गाइस लुक एट दिस ब्यूटी गाइस. ये सलाद है, एक्चुअली बहुत सारा सलाद है, लेकिन आई पिक दिस वन. इतना सही है ना गाइस, इसके अंदर बहुत सारे ग्रीनीज़ है, कॉर्न है और क्रीम भी है शायद से, और मेयोनीज है. बहुत सही है. इट्स ट्राइंग टू टेस्ट द सलाद. चलो सलाद, ये स्पेशली ये सलाद ना 10 on 10. And we also have a wheat ka roti with some bhaji, sabzi. अभी ये try करेंगे कैसा है. This one is a paneer lababdar. Let's taste this paneer lababdar. पनीर लबाबदार को 10 on 10 क्योंकि पनीर का क्वालिटी हाई, मतलब बहुत ही फ्रेश है और ग्रेवी टोटल डिफरेंट. कुछ आवाज़ मत करना, बच्चे को देख कितना क्यूटली कितना खा रही है. अच्छे से हाउ मच इज स्ट्रगलिंग व्हेन इट कम्स टू नूडल्स. बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छे से खा रही है वो. बट शी इज़ एंजॉयिंग द फूड मैन, दैट्स गुड. She's enjoying the food man, that's good ना. Even I'm enjoying. Look at this. अभी ये है फ्राइड राइस, ये है बिरयानी, अभी खाएंगे. चलो बिरयानी इज लाइक हमारा हैदराबादी और लखनवी बिरयानी में मिलता है ना, उससे थोड़ा सा हटके है. इट्स गुड. बिरयानी once or twice I tried it, that too in Bombay. तो उसके बाद में तो कभी मिला ही नहीं टेस्ट करना. फ्राइड राइस का बारी है अभी. चलो fried rice is like 10 on 10 again. Fried rice is really good, trust me. देखो भाई साहब कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आइसक्रीम भी है यहाँ पे और आइसक्रीम है जो अनलिमिटेड, जितना खाना है खा रहे हो और आपके खुद के हाथ से लो आइसक्रीम। और आइसक्रीम के ऊपर स्ट्रॉबेरी का उसके साथ टूटी फ्रूटी है, बहुत सही है। भी चलो इसका एक बाइट लेंगे और बताऊँगा कि कैसा है। अमेजिंग। तो भैया क्या बोलूँ, मतलब इतना खाए मुँह से शब्द नहीं आ रहा मेरे तो। इतना खाए, मतलब क्या खाना था। अमेजिंग, एक नंबर, बहुत ही सही था। आई रियली एन्जॉय। हर एक चीज़ का मैं रेटिंग दिया हूँ, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा है। कभी भी आओ, आ सकते हैं। वेरी सुन, गोइंग टू ओपन 1 more ब्रांच विच विल बी इन जयनगर। सो यू नो उसके लिए मिनिमम एक 40 दिन का टाइम तो है, तो उतने देर तक आप यहाँ पे आ जाओ। ये वाले यहाँ पे इसका जो यू नो एड्रेस है, लिंक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एंड ऑल्सो यू नो फॉर मोर डिटेल्स एंड मोर कहाँ जा रहा हूँ, मेरा रील हर एक जब जगह कहाँ पे भी मैं आता हूँ एक अच्छे अच्छे रील करता हूँ, शूट करता हूँ। तो रील ना देखने के लिए आपको इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो नहीं दिखेगा राइट। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जाओ फॉलो करो, वहाँ पे भी फॉलो करो, सो दैट विल गेट टू नो छोटे कितने भी अपडेट्स है विल गेट टू नो। तो गाइस बाय बाय, बस इतना ही। और यहाँ पे आओ, कैसा लगा गूगल में रिव्यू लिखना और मेरे यहाँ पे आके कमेंट सेक्शन में लिखना कि कैसा लगा। तो बाय गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हमेशा खुश रहना और अच्छे से खाना दबा के खाना। बाय बाय।